हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शारदा। स्वागत है आपका मोर टेस्टी फूड पर। आज हम चाय के साथ खाए जाने वाले फैन, जिन्हें हम मार्केट से खरीद कर लाते हैं, उन्हें हम आसानी से घर पर भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो वो किस तरह से? सबसे पहले यहाँ मैंने मैदा का डो बनाने के लिए एक परात ली है और उसमें ये एक कप छना हुआ मैदा है, इसे डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। अब इसमें हम मोइन डालेंगे, ये मैंने 1/4 कप देसी घी लिया है पिघला हुआ, इसे डालेंगे। मैदा और घी को अच्छे से मिक्स करेंगे। हम कोई भी खस्ता चीज़ बनाएं तो उसमें हमें मैदा का चौथाई भाग घी डालना है, चाहे हम देसी घी डालें या वनस्पति घी डालें। तेल का मोइन उतना बढ़िया नहीं होता। अगर हम मैदा के डो को मुट्ठी बांध कर देखें तो उसकी मुट्ठी सी बन रही है। हमारा जो मोइन है वो परफेक्ट डला है। अब इसमें हम ये गुनगुना पानी है, इसे थोड़ा थोड़ा डालकर, इसका ना ही ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट डो लगाकर हमें तैयार करना है। डो को अच्छे से मसल मसल कर हमें गूथ कर तैयार करना है। थोड़ी सी मेहनत लगेगी। 7-8 मिनट में हमारा डो अच्छे से गूथ कर तैयार हो चुका है। अब इसे हम एक बोल में रख लेंगे और 10 मिनट के लिए इसे ऐसे ही किचन काउंटर पर ढककर रख देंगे, जिससे हमारा डो अच्छे से सेट हो जाए। डो को रखे हुए 10 मिनट हो चुकी हैं। एक बार इसे और मसल मसल कर थोड़ा सा चिकना कर लेंगे। अब इसे लंबाई में सिलेंडर की तरह बनाएंगे और फिर लोइयां तोड़कर एक बोल में रखते जाएंगे। इससे हमारी एक कप मैदे से 7 लोई बनकर तैयार हुई हैं। एक लोई लेंगे और उसमें सूखा आटा लगाकर बेलकर तैयार करेंगे। ये हमें किनारों से दबाव देते हुए बिल्कुल एक सार रोटी की तरह गोल बेलकर हमें तैयार करना है। जितना बढ़िया हमारा मैदे का डो गुथा हुआ होगा, उतनी बड़ी हमारी अच्छे से रोटी बिलकर तैयार होगी। देखिए कितनी बढ़िया से हमारी ये रोटी बिलकर तैयार हो चुकी है। अब हम 4 रोटी और बेलकर तैयार करेंगे। बेल बेल कर इन्हें एक प्लेट में रख लेंगे। ये हमारा बहुत ही बढ़िया से फैन बनकर तैयार होंगे और इन्हें हम सुबह या शाम की चाय के साथ जब भी हमारा मन करे हम इन्हें खा सकते हैं और इन्हें हम सफ़र में भी ले जा सकते हैं। हमारे बहुत बढ़िया फैन बनकर तैयार होंगे। आप देख सकते हैं ये हमारी 5 रोटी बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब हम फैन बनाना शुरू करते हैं। एक रोटी चकले के ऊपर रखेंगे और उसके ऊपर ऑयल लगाएंगे। यहाँ हम घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर उसे हाथ से ही रोटी पर चारों तरफ अच्छे से फैला लेंगे। अब इसके ऊपर हम ये सूखा मैदा है, इसे अच्छे से फैलाएंगे। इसकी जगह हम घी और सूखा मैदा एक जगह मिलाकर उसका साटा बनाकर भी लगा सकते हैं और इस तरह भी हम लगा सकते हैं, जैसा आपको ईजी लगे उस तरह करें। और इसके ऊपर हम फिर दूसरी लेयर रखेंगे। इस तरह हम एक रोटी के ऊपर एक रोटी रखते जाएंगे और हर रोटी पर पहले ऑयल लगाएंगे, फिर अच्छे से मैदा लगाएंगे। और इसी तरह मैंने 5 रोटी एक दूसरे के ऊपर ऑयल और मैदा लगाकर रख दी हैं। 4 या 5 रोटी ही रखें, उसे हमें फोल्ड करने में आसानी रहेगी। अब मैं आपको इसे फोल्ड करने का तरीका दिखा रही हूँ। देखिए इस तरह हम उठाएंगे और इसे नीचे की तरफ रोल करते हुए अच्छे से टाइट ये हमें रोल करना है और फोल्ड करते हुए इसे चले जाएंगे। मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ जिससे आपके अच्छे से समझ में आ सके कि हमें किस तरह से रोल करना है। पूरा रोल होने के बाद जब हम यहाँ पहुँच जाएंगे तो देखिए यहाँ हमें पानी लगाना है और नीचे वाली लेयर को अच्छे से पानी लगाकर चिपका देना है, नहीं तो ये हमारा रोल जिस समय हम काटेंगे खुलने का डर रहेगा। 1/2 इंच लंबाई में हम नाइफ की हेल्प से पीस काट कर तैयार करेंगे। ये हमारे बहुत ही बढ़िया खारी या फैन बनकर तैयार होने वाले हैं। हम सारे पीस इसी तरह काट कर तैयार करेंगे।
और जो दोनों तरफ का एक्स्ट्रा है उसे हम बाद में काम में लेंगे। देखिए लेयर, देखिए आप कितनी बढ़िया से हमारी लेयर दिखाई दे रही हैं। बेलने का तरीका देखिए लोई को, ये लेयर वाला हिस्सा दोनों साइड रहेगा और फिर हम ऊपर हथेली से थोड़ा प्रेस करेंगे। अब इस पे सूखा मैदा लगाकर बेलन से लंबाई में बेलकर तैयार करेंगे। ये हमें हल्के हाथ से ही लंबाई में बेलकर तैयार करना है, तभी हमारी फैन में बढ़िया सी लेयर बनेंगी। एक फैन यहाँ मैंने बेलकर तैयार कर लिया है, अब मैं दूसरा फैन बेलकर तैयार करूँगी। फिर से सूखा मैदा लगाएंगे और हल्के हाथ से बेलकर बड़ा करेंगे। इसी तरह हल्के हाथ से बेल बेलकर मैंने सारे फैन बनाकर तैयार कर लिए हैं। गैस के ऊपर मैंने एक कढ़ाई रख दी है, उसमें घी डाल दिया है। गैस की फ्लेम हमें लो ही रखनी है और अपने एक एक करके फैन हम कढ़ाई में डाल देंगे। फिर जैसे ही ये नीचे से सिकेंगे घी के ऊपर अपने आप आने लगेंगे। फैन हमें पेशेंस रखकर बड़े आराम से सेकने हैं, तभी हमारे अंदर से क्रिस्पी से फैन सिककर तैयार होंगे। गैस की फ्लेम अगर आपको लगे बीच में तो थोड़ा स्लो टू मीडियम के बीच कर सकते हैं, लेकिन शुरू में हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम ही रखनी है। देखिए हमारी कितनी बढ़िया सी फैन की ये लेयर दिखाई दे रही है। फोक से इन्हें घुमा घुमा कर अच्छे से पलट पलट कर हमें सेक कर तैयार करना है। एक बार के फैन फ्राई होने में 7 से 8 मिनट का टाइम लग जाएगा। देखिए लेयर, देखिए आप कितनी बढ़िया सी लेयर बनकर तैयार हो रही है। ये तभी हमारी अंदर तक अच्छी सी क्रिस्पी सी बनकर तैयार होंगी जब हम गैस की फ्लेम का ध्यान रखेंगे। फैन निकाल कर एक बड़ी छलनी में रख लिए हैं, जिससे अगर इनमें एक्स्ट्रा घी होगा वो नीचे कढ़ाई में चला जाएगा। अब हम अपना सेकंड बैच सिकने के लिए डाल देंगे। इस बीच हमें लगेगा कि हमारा घी ज़्यादा गर्म हो गया है, तो हम गैस की फ्लेम को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर देंगे और फिर ऑन कर लेंगे थोड़ी देर बाद। फैन को घी में डालने के बाद फोक की हेल्प से अच्छे से उलट पुलट करके इन्हें क्रिस्पी होने तक सेकेंगे। फ्रेंड्स, मेरे भी कढ़ाई में घी थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो गया था, तो मैंने भी एक बार गैस की फ्लेम ऑफ करी, 1-2 मिनट के लिए बाद में ऑन करी है। देखिए कितना बढ़िया हमारे फैन पर कलर आ रहा है, जिस तरह मैंने ये फैन बनाकर तैयार किए हैं। अगर इन्हें हम बिना नमक डाले और इस तरह बनाकर चाशनी में डाल दें तो ये हमारे खुरमा भी बनकर तैयार हो जाएंगे। फैन ऊपर से जितने क्रिस्पी हैं अंदर से उतने ही खस्ता हैं। इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने के बाद एयर टाइट जार में भरकर पूरे 1 महीने खाया जा सकता है। गरम गरम चाय के साथ अगर फैन मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। फ्रेंड्स, अगर ये मेरे फैन बनाने वाली वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को एक लाइक तो बनता है, फैमिली और फ्रेंड्स में वीडियो को शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।